हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट और मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे एक हॉलीवुड मूवी की जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। ये मूवी रिलीज हुई है और ये मूवी एक हॉरर या तो आप कह सकते हो साइफाई या आप कह सकते हैं मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे देखने के बाद मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक के नहीं देखा है तो इस फिल्म को जाके जरूर देखना। ये फिल्म एक रिबूट है 1993 में आई मूवी द इनविजिबल मैन। तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर बनाई गई कई फिल्में देख चुकी, कई तो हॉलीवुड में देख चुके और एक तो नल्ली सी बॉलीवुड में भी देख चुके, जो कि फिल्म के नाम पे बहुत बड़ी कलंक थी। खैर हम उसकी बात तो नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। तो मैं तो सोच रहा था कि भाई इसके कॉन्सेप्ट पे यार हमने इस पर तो पहले भी फिल्म देख चुके थे, इसमें नया क्या होगा। लेकिन जब ये फिल्म स्टार्ट होती है, फर्स्ट सीन इसका इतना ज्यादा आप कह सकते हैं टेंशन बिल्ड करता है, इतना ज्यादा डराता है। हालांकि इसमें कुछ भी गोश्त या भूत देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन जो सीन में जो डर होता है ना, वो डर आप लोग आराम से फील कर सकते हो। मतलब फर्स्ट सीन देखकर आपको ऐसा महसूस होगा, मतलब आप ऐसा नहीं जो ऐसा अगर कोई लड़की अगर फिल्म में देखती हो ऐसा, तो कुछ इस तरीके का माहौल होता है जब आप इस फिल्म को फर्स्ट सीन को देखोगे। फर्स्ट सीन में हमें ऐसा बताया कि एलिजाबेथ, जो कि इस मूवी में रोल प्ले करे सिसिलिए का, वो अपने बॉयफ्रेंड से बचकर रात में उस घर को छोड़कर जा रही होती है। उस घर को छोड़कर क्यों जा रही होती है, क्योंकि वो उसको बहुत मारता पिटता, वो बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव होता है, उससे इतना ज्यादा परेशान हो चुकी वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने जाती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है, बहुत ही समझ लो कि वो ऐसा इंसान है कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो किसी तरीके से उस घर से बचकर तो निकल जाती है, लेकिन वो उसी डर में जीती कि कभी भी उसका बॉयफ्रेंड आके उसको पकड़ लेगा। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर ली। लेकिन सुसाइड करने के बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, जब उसको पता चलता है कि कोई एक इनविजिबल इंसान उसको हॉन्ट कर रहा है, यानी कि उसके पीछे लगा हुआ उसको मारना चाहता है। अब वो उससे किस तरह से बच, आगे चल के कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी द इनविजिबल मैन। देखिए इस मूवी में आपको गोश्त या भूत मैं बोल रहा हूँ वो तो देखने नहीं मिलेगा, जो डर है ना वो डर आप साफ महसूस करोगे। और स्पेशली यहाँ पे एलिजाबेथ मॉस जिसने यहाँ पे रोल प्ले किया सिसिलिया का, उसका जो परफॉर्मेंस है स्टार्ट से लेकर एंड तक, जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन है और जिस तरह से इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और जितना भी सीन को पिक्चराइज किया है, वो आपका पैसा वसूल करेगी। और कहीं से भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार हमने इस तरीके की चीजें ऑलरेडी पहले देख चुके हैं या ये रिबूट है किसी फिल्म का, तो मतलब आप कहीं से भी वो सब चीजें फील नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा हम कुछ एक नई चीज देख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो एक्टिंग लेवल एलिजाबेथ मॉस की वो बहुत ही शानदार है। उसके अलावा इसकी राइटिंग बहुत अच्छी की गई है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छी है, और हर एक सीन आपको देखकर एक अलग एहसास होता है, ऐसा डर महसूस होता है। और थ्रू आउट द वे आप मतलब ऐसा एक अगर आप बैठ जाओगे सीट पे तो आपको ऐसा लगे किसी ने फेविकॉल लगा दिया आपके पीछे, आपको उठने का दिल ही नहीं करेगा और आप खुद भी उठ नहीं पाओगे। और ये बीच में बीच आपको एक ना एक स्कैरी फील देते रहेगा। और ये इसमें आप बता दो इसमें कोई भूत भी आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए जो भी चीज है उससे आपको डर जरूर लगेगा। तो बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपने इस हफ्ते कोई हॉलीवुड फिल्म देखने का डिसाइड किया तो आप नो डाउट इनविंसिबल मैन जाके देख सकते। वीडियो में इतना है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं हूँ राची शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में शाम को, तो टिल देन दुआ में याद रखना।